बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फारूक जावेद फ्रॉम जीएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वैसे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फैसल हिल्स की वीडियोस देखते हैं, उसकी मार्केट की अपडेट्स भी देख रहे होते हैं और मैं आपको उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है देता रहता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हमें कॉल करके पूछते हैं कि हमें आप ये बताएँ कि फैसल हिल्स में रहने के हिसाब से कैसा माहौल है, ठीक है, और यहाँ पर जो रात के टाइम फ़र्ज़ करें अगर हमने यहाँ पे रहना हो, जितनी अम्यूनिटीज़ हैं और फैमिली के लिए जो है ना वो कोई पिकनिक पॉइंट्स वगैरह, या हम यहाँ पे रह सकते हैं या नहीं, तो इस हवाले से मैंने सोचा, हम एक क्लाइंट के साथ आए हुए थे, उनको विज़िट करवा रहे थे, तो मैंने सोचा आपके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाऊँ कि फैसल हिल्स में इस टाइम जो लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है और रात के टाइम कैसा नज़र आता है फैसल हिल्स। वीडियो को आपने कम्प्लीट देखना है और यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि फैसल हिल्स के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइमली मिल सके। अभी इस टाइम मैं मेन सिविक सेंटर के ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है, ये जो रोड है आपको मैप पे भी आपको शो होती है, काफ़ी बड़ा मेन सिविक सेंटर है फैसल हिल्स का, उसके ऊपर जो है ना मैं बिल्कुल उसके साथ आर्च है, ठीक है, जहाँ से फैसल हिल्स का जो मेन सिविक सेंटर स्टार्ट होता है उसके साथ बिल्कुल आर्च है और आर्च के बिल्कुल सामने आपको मस्जिद नज़र आती है और ये फैसल हिल्स की सबसे बड़ी मस्जिद है, बल्कि टैक्सिला में जितने भी मस्जिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सबसे बड़ी मस्जिद अगर आप कहें तो ये आपको नज़र आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त और जदीद तर्ज पे इसको बना रहे हैं। और अगर आप आर्च को देखें रात के टाइम, आर्च की जो व्यू है और आर्च का जो एक लुक है, यकीन माने किसी भी आपको लोकल सोसाइटी में या और पिंडी इस्लामाबाद में ऐसी जगह नज़र नहीं आती और आपको सिर्फ फैसल हिल्स में ये नज़र आती है। बाकी आप अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, दिन को आपको वो सही तरह नज़र आते हैं लेकिन अभी रात के टाइम क्योंकि वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में अभी बाकायदा तौर पे शॉप्स वगैरह या जो है ना वो जो जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो भी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पर कमर्शल्स बन चुके हैं। और अगर आप देखें रोड्स की बात करें तो जिस रोड पर अभी मैं खड़ा हूँ इसके ऊपर आपको मेन स्ट्रीट लाइट नज़र आ रही हैं और ये पूरी रात तक ऑन रहती हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे रह रही हैं, ठीक है, और फैमिलीज़ यहाँ पे रात के टाइम आर्च या पार्क वगैरह को विज़िट भी करती है, जो कि बहुत ही अच्छा एक अच्छी बात है और जो कि जेन्युइन क्लाइंट्स के लिए, जो जेन्युइन लोग हैं उनके लिए। तो ये जो ओवरऑल अगर आप देखें तो फैसल हिल्स एक कम्प्लीट किस्म की सोसाइटी है और ओवरऑल अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे लोगों ने इसी जगह पे आर्च के बिल्कुल करीब इन्वेस्टमेंट भी की हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको घर भी बना के भी दिए और घर बना के दे भी रहे हैं और अच्छे रेट पे, पुराने रेट्स पे हमने उनको चीज़ें ले के दी थी जो कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिटर्न में भी हैं। नो डाउट इस टाइम मार्केट स्लो है, थोड़े से हालात थोड़े से मार्केट के डाउन है, लेकिन जिन लोगों ने शुरू में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की है वो अभी भी कई गुना जो है ना वो प्रॉफिट्स में है। तो आप अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, आपकी अगर फैसल हिल्स में अगर क्यूरी है, अगर आप इस बारे में कोई मालूम लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।